हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका बिलव्स फिर से आज ही रहा न्यू ब्रांड एपिसोड के साथ। तो जैसा कि गाइस, आप सबको मैं बता रहा हूँ कि भाई TH9 का बेस्ट सीरीज और इसमें भाई न्यू अटैक स्ट्रेटजी। तो आज मैं करने वाला हूँ बहुत ही तगड़ा अटैक स्ट्रेटजी, जो कि भाई देख सकते हो आप लोग, 10 बॉलर एंड 10 मतलब जाइंट, 2 पिक का और बीच के साथ, और ये स्पेल है। और बाकी सीसी में हम लोग ले लेते हैं भाई अपने प्यारे प्यारे, जो कि हमेशा की तरह रूट राइडर एंड भाई सीसी, ये चीजें बेस्ट होती है। तो 9 का बेस देखते हैं फटाक से और कोई अटैक करते हैं। तो लेट्स सी, चलो चलते हैं गेम के अंदर। तो ये बेसेज मिल चुका है मुझे, 9 का बेसेज, और इस पे हम लोग को करना है 3 स्टार। बाकी यार इसमें क्वीन जिंदा है, सब कुछ जिंदा है, तो फिलहाल हमें दिक्कत तो हो सकती है, बट कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आपका भाई हियर, तो डोंट फेयर। सो गाइस यार देखो, पिक का यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग को जाइंट है। तो हम लोग को क्या करना है, बेसिक सी चीजें हैं। पहले तो हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे एक पिक का छोड़ देना है, ऐसे एक पिक का इधर छोड़ना है, और 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक पिक का इधर छोड़ देना है, और 1 2 3 4 5, ठीक है, ताकि यार गाइस अपना काम तमाम करेगी। और यहाँ से अपना जाएगा रूट राइडर, यहाँ से अपने जाएंगे सारे के सारे जाएंगे, ठीक है। जंप इस पर डाल देना, क्वीन को फ्रीज कर देना, चलो भाई। एंड रेंज जाएगी क्या, यहाँ पे रेंज डाल देना, हीलिंग इस पर अभी नहीं काम करेगी। ए यहाँ पे डालना बम टावर के पास, ताकि बम टावर पे ही मेन जो काम करता है वही बम टावर। बाकी यार बारबेरियन पे पॉइजन, चलो भाई अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे खूबी से, बाखूबी से, बहुत ही अच्छा। जाइंट भी आ गया, यहाँ पे हीलिंग जाएगा, चलो भाई बीचे से अपना काम कर रही है बहुत अच्छा। एक्सपो भाई टेक डाउन हो गया, फिर बेस खत्म, टाटा बाय बाय। विजार्ड भी मिल जाएगी आई थिंक, यस विजार्ड भी मिल गया भाई। विजार्ड एक ही बचा है, एक मोटार भाई गलत सीन कर सकता है, जो कर सकता है तो मोटार कर सकता है। बाकी रूट राइडर अपना है, जो कि फनल बनाते हुए जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात रूट राइडर की यही होती है कि फनल बनाता है। भाई आपके पास क्वीन नहीं है, बारबेरियन नहीं है, तो रूट राइडर लेके जाओ, दिस इज अमेजिंग। बाकी यार रूट राइडर निकाल देगा, और बीचेज अपने पास कम है, रूट राइडर ही निकाल देगा सारे बेसिस को आई थिंक, मुझे लग रहा है। विचेज हैं, विचेज पीछे से साफ कर रही हैं। रूट राइडर आई थिंक बेस्ट होगा, आप सबको नई स्ट्रेटजी में याद रखना, रूट राइडर वॉल के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी यार ये बहुत गंदी तरीके से पीट रहे हैं सब कैनन, और ये मार रहा है विजार्ड। बच्चे इसके बहुत ढेर सारे हैं बट पीछे के, बट यार यहाँ पे पीछे मर चुके हैं। बाकी यार रूट राइडर बहुत ही, अगर रूट राइडर मर गया तो 3 स्टार कम चांसेस है। हिडन टेस्ला मर जाए तो ओ नाइस वन, हिडन टेस्ला मरना जरूरी था भाई। फिलहाल अभी ये 3 स्टार है, अभी कोई नहीं रोक सकता इस बेस को। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एंड कैसा लगा आप लोग को ये स्ट्रेटजी, और ये थोड़ी स्ट्रेटजी विदाउट हीरोज, यार विदाउट हीरो चटे की स्ट्रेटजी बहुत ही टफ नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो फिलहाल कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये अटैक स्ट्रेटजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड जय महाराष्ट्र।